अब तो मेरे चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए, श्री महामति कहे ऐसा अथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, श्री महामति कहे ए मोमिनो सुनियो यह बितक, आगे फिर कहत हूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। खेता भाई के कार्य हेतु अरब को गए, संबत 1773 अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय से बीतक आए या घटनाक्रम वर्णित करवा रहे हैं। आपने सुना किस तरह से विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो जाता है और उसके पश्चात 3 वर्ष तक श्री महाराज कठोर साधना में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि मुझे भी परम धाम दिखे। जब सतगुरु धन सिंह देवचंद जी उनको प्रबोधित करते हैं कि महाराज यह तो राज्य के आदेश से संभव है, जब मेरे तन की लीला समाप्त होकर तेरे तन से प्रारंभ होगी तो तुझे अनायासी दर्शन होना शुरू हो जाएगा। अब उन्होंने आदेश दिया कि महाराज तुम सेवा कार्य में लगो, और विक्रम संवत 1703 का समय है। श्री महाराज जी को आदेश होता है कि तुम अरब जाओ, अरब में खेता भाई रहते हैं। खेता भाई गांगजी भाई के छोटे भाई हैं और आप जानते हैं कि जब गांगजी भाई के यहाँ कथा चर्चा चलती है, भीड़ सैकड़ों की संख्या में है, 313 सुंदर साथ ने तारतम्य लिया होता है। जो आते हैं सुंदर साथ गांगजी भाई के घर, उनको कुछ ना कुछ तो जलपान वगैरह कराना ही पड़ता है। तो यह सोचा गया कि खेता भाई के पास बहुत संपत्ति है, 25 वर्षों से खेता भाई अरब में रह रहे थे और बहुत अधिक संपत्ति कमा रखी थी, वह धन आ जाए तो सबकी सेवा हो सके। इसी भाव से सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी ने श्री महाराज जी को भेजा अरब की धरती पर जाने के लिए। फागुन महीना है, आधा भागुन बीत चुका था, श्री महाराज नाव में सवार होते हैं। उस युग में आजकल की तरह तेल से चलने वाले जहाज नहीं होते थे, बल्कि जहाज लकड़ी के बने होते थे और उस पर पाल तान दी जाती थी, हवा के झोंके से पाल आगे नाव आगे बढ़ती जाती थी। श्री महाराज नाव पर चढ़कर, बड़ी नाव समझिए जहाज चाहिए, उस समय जिसको जहाज कहा जाता था उस जहाज भी लकड़ी के ही बने होते थे, वहाँ अरब की धरती पर पहुँचते हैं खेता भाई के पास। गांगजी भाई ने अपने हाथ से पत्र लिया लिख रखा था कि ये महाराज मेरे अपने परिचित हैं और सुंदर साथ हैं, इनको जितना धन संपत्ति तुमने कमा रखा है इनके साथ ही तुम्हें वापस आ जाना है और सारी संपत्ति इनको सौंप देना। आपको पहले विदित हो चुका है कि महाराज के बड़े भाई जो हरिवंश जी थे, उनका विवाह उन जो मेघवाई से हुआ था
और इनकी गांगजी भाई के परिवार में और मीराज के परिवार में रिश्तेदारी थी। गांगजी भाई ने जो पत्र लिखकर दे दिया था, मीराज ले जाकर के खेता भाई को देते हैं। खेता भाई बहुत आनंदित हुए, क्योंकि एक बाहर प्रदेश में आजकल की तरह तो नहीं था उस समय, आजकल तो प्रतिदिन चाहते दूर मोबाइल से बात कर लेते हैं, मोबाइल में एक दूसरे का चित्र भी देख लेते हैं। उस युग में कल्पना कीजिए, 25 साल भाई से अलग हुए तो कभी बातचीत नहीं हो पाई, कितना कठिन जीवन रहा होगा। खेता भाई को बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे यहाँ से कोई हमारा परिचित तो आया है हमारी सुध लेने के लिए। अब मीराज को सारा कुछ सौंप देते हैं कि मीराज ये देखो, ये बखार है, सारा व्यापार है, सारा हिसाब किताब तुम देखो, लोगों से इतने पैसे तुम्हें इकट्ठा करना है। श्री जी, श्री मीराज प्रतिदिन समय निकाल कर खेता भाई को परमधाम की चर्चा सुनाते हैं, लेकिन माया का जीव कहाँ से सुन सकता है। चर्चा के बीच में ही बोल देता था उनसे इतना रुपया लेना है, सारा ध्यान उसका रुपये के संग्रह में ही लगा रहता था। मनुष्य को क्या चाहिए, 2 गज जमीन सोने के लिए, खाने के लिए कुछ भोजन और तन ढकने के लिए वस्त्र, धूप और वर्षा शीत से रक्षा के लिए कुछ एक छत, लेकिन मनुष्य इसी की पूर्ति में सारी उम्र गंवा देता है, फिर भी उसको संतोष नहीं होता। किसी को लखपति बना दिया जाए तो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति चाहता है कि सारे देश का धन मैं अपने साथ ही रख लूँ, लेकिन कुछ नहीं जाएगा। वैसे ही खेता भाई का हाल था, धन की तरफ ही उसका ध्यान लगा है, वाणी चर्चा जो हो रही है उसको कुछ भी सुनता नहीं। अचानक एक दिन उसका देह त्याग हो जाता है खेता भाई का। मुस्लिम देशों में ऐसा कट्टर कानून है कि किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम देश से धन संपत्ति अपने देश ले जाने का अधिकार न मिले। ऐसा मुगल शासन में भी होता रहता था। मुगल शासन में हिंदुओं पर अनावश्यक रूप से कर लगाया जाता था, जिसको जजिया कर कहते हैं। जो हिंदू जजिया कर नहीं दे पाता था उसको मुसलमान बनना पड़ता था। भारत में अधिकतर मुसलमान जो भी देखने को मिलेंगे वो इसी यातना के शिकार हुए मुसलमान हैं, जिनको या तो सेना के बल से भयभीत करके इस्लाम स्वीकार कराया गया या टैक्स अदा न करने के कारण इस्लाम स्वीकार कर लिया। वहाँ का मालिक था उस इलाके का शेख सल्लाह, उसने सोचा कि ये जो खेता भाई देह त्याग कर गया तो उसका कौन नया व्यक्ति आ गया है जो धन संपत्ति का वारिस बनना चाहता है, मुझे किसी भी कीमत पर यह धन संपत्ति नहीं देनी है। क्योंकि खेता भाई के देह त्याग से पहले एक घटना और होती है। गांगजी भाई ने और श्री देवचंद जी ने अपने अपने पुत्र को भेज दिया अरब कि जाकर मीराज की सहायता करो, यानी बिहारी जी और श्याम जी, और दोनों एक जैसे, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, दोनों की बुद्धि उल्टी और दोनों ही मीराज के कट्टर विरोधी, दोनों ही नकारात्मक। पूरी बीतक में आप सुनेंगे बिहारी जी के अंदर भी परमधाम की आत्मा है, लेकिन उनकी भावना नकारात्मक है। आत्मा में दोष नहीं होता है, दोष होता है जीव में। हमें निर्मल करना है जीव को। आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा तो स्वतः निर्मल है। बिहारी जी परमधाम की आत्मा होते हुए भी उनका जीव ऐसा है जो हमेशा श्री मीराज का अशुभ सोचता है, अशुभ कार्य करता है। जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न मिले तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके अंदर परमधाम की आत्मा क्यों ना हो, उससे अपराध होना स्वाभाविक है। ज्ञान है जो हमें मार्ग दिखाता है। कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। ज्ञान का प्रकाश मिला, विश्व के अद्वितीय कवि हो गए। चाहे अंगुलिमाल हो, चाहे वाल्मीकि हो,
ये दोनों डकैत रहे, खून खराबे में इनको जरा भी भय नहीं लगता, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश मिला तो अंगुलिमाल भी भिक्षुक बन गया और वाल्मीकि भी महान कवि बन गए। श्रेष्ठ के पहले कवि होने का गौरव वाल्मीकि को प्राप्त है। ये कैसे संभव हुआ? ज्ञान के प्रकाश से। इसलिए ज्ञान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य को देवत्व प्रदान करने वाला ज्ञान है। जो वनों में रहते हैं जिनको कोई शिक्षा नहीं मिलती, बेचारे देखिए वे नंग धड़ंग घुमा करते हैं, उनको भोजन करने का ढंग नहीं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी उनको नहीं जान, उनको नहीं मालूम। जब मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है, ज्ञान का प्रकाश लेकर उसको आचरण में उतारता है तो देवत्व को प्राप्त करता है, ऋषित्व को प्राप्त करता है, और तो और ब्रह्म का साक्षात्कार करके ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति के स्तर पर पहुंच जाता है। शरीर यही है, इसका उपयोग हमें कैसे करना है ये हमारे उपयोग पर निर्भर करता है। यदि हमने इस शरीर से सेवा की, स्वाध्याय किया, ग्रंथों का ज्ञान अर्जित किया, उसको आचरण में उतारा तो हमारा ये जीवन धन धन हो जाता है। और यदि इसी शरीर से हमने विषय विलास में अपने जीवन को लगाया तो भर्तृहरि ने क्या कहा है, काव्य शास्त्र विनो देना धीमो गच्छत कालो यच्छत धीमताम। जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय किसमें बीत जाता है, काव्य शास्त्र के आनंद में, काव्य की रचना करने में, शास्त्रों के अध्ययन में। व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रा निद्रया या कलहेनवा। व्यसनेन, मूर्खों का समय किसमें बीत जाता है, व्यसनों में, शराब में, मांस में, जुआ में, नींद में या झगड़े में। जो बुद्धिमान होगा वो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेगा, भक्ति की राह पर चलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि बिहारी जी श्री देवचंद जी के पुत्र हैं लेकिन कभी चर्चा में नहीं बैठे। चर्चा में नहीं बैठने से उनके अंदर परमधाम का ज्ञान गया नहीं। परमधाम की आत्मा तो अवश्य है लेकिन सारे काम उल्टे करते रहे जीवन भर, उनको यह भी पता नहीं चला कि मूल मिलावट क्या है। आते जाते कुछ चौपाई सुन ली, कुछ थोड़ी सी चर्चा का अंश सुन लिया, वही उनके मन में बनी रही, कभी परम धाम का ज्ञान उन्होंने ग्रहण नहीं किया। यही कारण है ब्रह्मवाणी को जिस समाज में सिंहासन रूप धराया गया है उस समाज में अज्ञानता का अंधकार क्यों फैला है। वो समाज ब्रह्मवाणी की आरती तो उतारता है, पूजा तो करता है, लेकिन ब्रह्मवाणी के ज्ञान को आत्मसात नहीं करता या बहुत ही अलसाए मन से करता है। और उसको आचरण में जो उतारना है कि हमारी रहनी आध्यात्मिक कैसे बने, इस पर ध्यान नहीं देने से हमारा समाज इतना पिछड़ा है। नहीं तो हमारे समाज में हर नगर नगर में कितने परमहंस पैदा हो जाए। परमहंस आकाश से नहीं टपकते हैं, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अपने को तपाना होगा, इंद्रियों को विषयों से दूर रखना होगा, वाणी का चिंतन करना होगा, चितवनी में इतना डुबो देना होगा कि हमारी नज़र में संसार न रहे, शरीर न रहे, तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी और तब हमें अपनी आत्मा का वास्तविक सुख मिलेगा। अब श्री महाराज ने बिहारी जी को और श्याम जी को सारा हिसाब दे दिया था और उनसे हस्ताक्षर भी करा लिया, ये भी लिख करके दे दिया कि देखिए इतने इतने लोगों से हमने इतना धन लिया है और शेष धन इकट्ठा करके मैं लेकर के आऊँगा। इतने में तो जैसे वो बिहारी जी और श्याम जी जाते हैं, इधर खेता भाई का जो तन छूटा होता है उसका परिणाम ये होता है, शेख सल्लाह की नज़र पड़ जाती है, उसने सोचा कि हमारी राह में ये मिराज बाधक हैं तो इनको ही मैं समाप्त करा दूँ। ये धन है, धन के लिए तो मनुष्य मनुष्य की हत्या करता है, मनुष्य राक्षस बन जाता है। दूर की बात छोड़िए, हरियाणा में कुछ वर्षों पहले की एक घटना है, खेत में पानी चलाना था, एक पिता के दो बेटे और पिता एक बेटे के साथ रहता था, दूसरे बेटे ने कहा कि मेरे खेत में पानी चलेगा। परिणाम ये हुआ कि पुत्र ने और पिता ने मिलकर अपने ही बेटे और भाई की हत्या कर दी।
कुछ दिन के दो दिन के बाद पानी चल जाता, क्या नुकसान होना था। लेकिन भाई भूल गया कि ये मेरा भाई है, पिता भूल गया कि ये मेरा पुत्र है, उसके कत्ल करने में जरा भी रहम नहीं दिखाई, मानवता का खून कर दिया। कितना पैदावार हो जाती उस खेत से, लेकिन मानवता का कोई मूल्य नहीं रह गया है। अब देखेंगे चोर डाकू किसी का धन लूटते हैं, जब देखते हैं कि हम असफल हो जाएंगे तो गोली मार देते हैं। तुम ये जो धन लूट रहे हो, एक मानव का कत्ल कर रहे हो, कितने पुण्यों से थे ये मानव तन मिला, लेकिन जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं उनको यह ध्यान नहीं। आतंकवादी आते हैं, बच्चे को गोली मार देते हैं, स्त्री को गोली मार देते हैं, बूढ़े को गोली मार देते हैं। उनको जुनून है कि जो हमारा मजहब नहीं स्वीकार करेगा उसको मारने में हमें जन्नत मिलेगी। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। बिहारी जी और श्याम जी दोनों वापस लौट आते हैं नौतनपुरी, सारा धन छिपा जाते हैं और क्या आरोप लगा देते हैं कि मीराज ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, टरका दिया कि अभी इकट्ठा होगा तो मैं दूंगा। शेख सल्ला जो कट्टर मुस्लिम था उसने तय कर लिया कि मुझे एक रुपया भी हिंदुस्तान नहीं जाने देना है। अपनी रक्षा के लिए श्री मीराज को वहाँ से रात के समय छिप करके निकलना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने सैनिकों से सोचा कि मीराज की हत्या करा दूँ तो सारा धन यहीं रह जाएगा, कोई हिंदुस्तान ले जाने वाला रहेगा नहीं। अंत में मीराज जब रात को निकलकर चलते चलते पहाड़ी में जाकर के रुकते हैं तो एक अरबी व्यक्ति मिलता है, अरब का रहने वाला राज्य का जोश, एक अरबी व्यक्ति के रूप में उनके सामने प्रकट होता है। बोलता है कि ए मुसाफिर तू इतना क्यों परेशान दिख रहा है। श्री मीराज अपनी सारी बात बताते हैं, शेख सल्ला के बारे में बताते हैं कि शेख सल्ला ने धन पर कब्जा करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए कि मुझे अपनी रक्षा के लिए चलना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। वहाँ से जाकर के जब श्री महाराज पहाड़ में पहुँचते हैं, यानी वहाँ से अपनी सुरक्षा करते करते, तो सवेरा होते होते तो वो पहाड़ी में जाकर के सुरक्षित होते हैं और बगदाद आए होते हैं। बगदाद में उस समय सबसे बड़े खलीफा रहा करते थे, इस्लाम के सबसे बड़े खलीफा। आपको विदित होगा मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरे देह त्याग के बाद मेरा उत्तराधिकार अली को देना। लेकिन आप जानते हैं चाहे राजा का सिंहासन हो या धार्मिक किसी पद का स्थान हो, उसके लिए सारी जोड़ तोड़ छल कपट के प्रपंच चलते हैं। अबू बकर, उमर और उस्मान, इन तीनों ने पहले गद्दी पर कब्जा कर लिया। खलीफा पहले ये बने, अली का नंबर चौथे पर आया, यानी इस्लाम के अनुयायियों ने मोहम्मद साहब की बात को नहीं माना। गद्दी इतनी बुरी चीज होती है, इसी गद्दी के लिए इतने पाप होते हैं, चाहे राजसत्ता की गद्दी हो या धर्म की गद्दी हो, सबके लिए लड़ाइयाँ होती हैं। लोकतृष्णा, वित्तृष्णा और दारिष्णा, ये तीन तृष्णाएँ होती हैं। लोकतृष्णा यानी प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तृष्णा धन की इच्छा और दारिष्णा यानी संगे संबंधियों का मोह। ये तीनों तृष्णाएँ गृहस्थी को भी सताती हैं और विरक्त को भी सताती हैं। जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, जिसके हृदय में भक्ति की धारा बहती है, वह इन तीनों तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है, अन्यथा चाहे राजा हो चाहे मठाधीश हो, किसी को यह छोड़ती नहीं। आप देखेंगे कि खलीफा का पद तो कोई राजा का पद नहीं था, एक धार्मिक पद था, उसके लिए खून खराबा हुआ और सबकी एक दूसरे की हत्या की गई। हजरत अली की भी नमाज पढ़ते समय हत्या की गई, जब वो नमाज पढ़ रहे थे विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी। इस्लाम में यही होता है, पद के लिए चाहे राजसत्ता का पद हो चाहे धार्मिक पद हो, सबको मौत के द्वारा ही रास्ते से हटाया जाता है।
अब श्री महाराज को वो अरब एक पत्र लिख देता है। जब श्री महाराज 2 महीने तक परेशान हो जाते हैं, भेंट नहीं हो पाती है इमाम से, तो मैं वही प्रसंग बता रहा था। हजरत अली के बाद झगड़े खड़े हो गए। मुआविया एक शासक हुआ है, उसने घोषित कर दिया है कि हजरत अली के जो बेटे इमाम हैं उनको पद नहीं मिलना चाहिए, खलीफा का पद नहीं मिलना चाहिए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को निर्ममता पूर्वक मजीद, जो मुआविया का बेटा था, उसने कत्ल कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पूरा अरब संघर्ष की आग में जलने लगा और धीरे धीरे जिसने जैसा का पद पाया अपना स्थान बदलता रहा। जो इस्लामिक जगत का प्रमुख स्थान मक्का मदीना था, वहाँ से अलग अलग समय में इस इमाम का पद कहीं और चलता रहा। उस समय जो इमाम था मस्कत में रहा करता था। श्री जी ने सोचा, श्री महाराज जी ने, कि चलकर मस्कत में जो खलीफा रहते हैं, इमाम रहते हैं, उनसे चलकर फरियाद करूं तो हो सकता है खेता भाई की जो संपदा है उसे मैं हासिल करूं और सतगुरु की सेवा कर सकूं। 2 महीने भटकने के बाद भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, आज भी है। आप मुस्लिम देशों में चले जाइए, आप के परिवार की कोई भी बहन है, कोई भी है, उसका अपहरण हो जाए, आप शिकायत करने जाएंगे, हो सकता है आपकी कोई सुनवाई ना हो। किसी भी मुस्लिम देश में दूसरे धर्म वाले की कोई सुनवाई नहीं होती है। केवल दुबई में है, थोड़ा बहुत छूट हुआ है, नहीं तो अन्य देशों में तो पूछा ही नहीं जाएगा। यह पता चलते ही कि आप हिंदू हैं, आपके लिए कोई कानून नहीं है। औपचारिकता बहुत कर दी जाएगी। और तो और, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं, उनको भी इसका कटु अनुभव होगा कि कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। एक तरफा पक्षपात होता है। और इस्लाम की शरीयत इतनी कट्टर बना दी गई है कि गैर मुस्लिम के लिए अलग नियम है और मुस्लिम के लिए अलग नियम है। दूर की छोड़िए, यदि आप कश्मीर में भी जाएं, अपने हिंदुस्तान में कहलाने वाले, स्वतंत्र कहलाने वाले कश्मीर में भी, तो वहाँ भी 2 तरह के नियम चलते हैं। अंदर आंतरिक रूप से ऊपर से कहा जाता है कि नहीं, देश का कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में एक तरफा भेदभाव होता है, क्योंकि शासन को नियंत्रित करने वाली वहाँ की मुस्लिम जनता है। ये संकीर्णता है। शासन तो सबके लिए होता है, शासक की दृष्टि में सारी प्रजा एक समान होनी चाहिए। यदि शासक ही जाति के नाम पर, मत के नाम पर भेदभाव करता है तो वो प्रजा के साथ अन्याय करता है, ये धर्म विरुद्ध है। लेकिन इस्लाम के जो संचालक होते हैं, जो इस्लाम के अग्रगण्य माने जाते हैं, उनके हृदय में पक्षपात ही भरा होता है। वो कभी ये नहीं सोचते कि सारी प्रजा अल्लाह की है, वो तो ये सोचते हैं जो गैर मुस्लिम है या काफिर है, इनको किसी तरह से प्रताड़ित करो कि हमारा मजहब स्वीकार कर लें। धर्म क्या है इसकी परिभाषा न पादरियों को मालूम है, न मौलवी लोगों को मालूम है। धर्म सृष्टि के प्रारंभ से एक था, एक है, एक रहेगा। मत अनेकों हो सकते हैं। मनुष्य अपनी विचारधारा से जो कुछ बात कहता है वो मत कहलाती है। जो शाश्वत सत्य है वो धर्म है। सत्यम बद धर्मम चर, यह हर मत वाले को मान्य होगा। लेकिन ये कहना कि नहीं, हमारा कलमा ही पढ़ लो, हमारा बपतिस्मा ही ले लो, हमारा मत स्वीकार करो, मजहब स्वीकार करो, ये धर्म पालन नहीं है, ये तो मत पालन है। अब जो अरब होता है उसे श्री महाराज अपनी बात बताते हैं कि देखिए, मैं 2 महीने से भटक रहा हूँ, मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अरब कहते हैं कि ऐ मुसाफिर, चिंता मत कर, जब बादशाह जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इधर से गुजरे तो उसको छेड़ा पकड़ करके खींचना और कहना कि बादशाह सलामत, यदि आपने मेरा न्याय नहीं किया तो ईद के दिन जब अल्लाह ताला न्याय के सिंहासन पर बैठकर सारी दुनिया का इंसाफ करेगा तो उस दिन मैं तुमसे न्याय ले लूँगा, और ये पत्र दे देना। उसने लिख करके सारा विवरण दे दिया। और उस रूप में कौन था राज्य का जोशी? उस अरब की धरती पर भला
मीराज जी को सहायता देने वाला कौन था। हमेशा ध्यान रखिए, सर्वशक्तिमान की दृष्टि आप पर पल पल बली पड़ी हुई है। हम सोचते हैं कि हमारा कौन है, हमारा संगत संबंधी जब हमसे कोई ओझल हो जाता है तब हम असहाय हो जाते हैं। हमें चाहने वाला कौन है, हमसे प्रेम करने वाला कौन है, कब हमारा कोई सहायता करेगा। हम भूल जाते हैं कि संसार के जो पुतले हैं वो थोड़ी सामर्थ्य रखते हैं, थोड़े समय के लिए हमारे साथ हैं। हमारी आत्मा के साथ जो हमारा प्रीतम जुड़ा हुआ है वो अनादिकाल तक है, अनंत काल तक रहेगा। हम चाहें भी उसको तो हम भले ही अपनी माया की तृष्णा के कारण उसको भुलाए बैठे हैं, वो हमको नहीं भुलाता। हम उसको छोड़ना भी चाहते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन वो हमको नहीं छोड़ सकता। उसकी व्यवस्था है, वो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, अपनी किसी भी आत्मा को अपने से अलग नहीं कर सकता। लेकिन यह अटूट विश्वास तो किसी किसी के अंदर होता है। श्री महाराज प्रतीक्षा करते हैं, वो पहुंच जाते हैं मस्कत, देखते हैं कि बादशाह नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार यानी जुमे के दिन जा रहा होता है। श्री महाराज जी को विश्वास होता है उस अरब के कथन पर और दौड़कर उसका छेड़ा, जो उसके जामे का ही छेड़ा होता है, खींच दिया जोर से। अब एक बादशाह के साथ इमाम थे, पूरे इस्लामिक जगत के सर्वोच्च व्यक्ति थे, उसका छेड़ा पकड़कर खींचने से उसके जो उस समय बांधा जाता था, आजकल की तरह बटन नहीं हुआ करते थे, जो तनी थी वो टूट जाती है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनके चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का घेरा कितना सशक्त होता है। उस युग में आजकल की तरह राइफलें नहीं थी, भाले, बर्छियाँ, तलवार, यही सब सुरक्षा कर्मी रखा करते थे। वो तो लीला थी, मीराज ने बिना डर किए उनका जामा पकड़कर, जामे का किनारा पकड़कर खींच दिया था। परिणाम क्या हुआ, सारे मारने के लिए तलवार लेकर खड़े हो गए। बादशाह क्या कहता है, लात खौफ या बनी, बेटे डरो नहीं। सबको संकेत कर दिया कि नहीं, इस युवक पर हथियार नहीं उठाना। बादशाह का संकेत पाते ही सारे सुरक्षा कर्मी अपना हथियार लेकर के खड़े हो जाते हैं। पूछते हैं, बताओ क्या तुम्हारी समस्या थी जो आज तुमने मेरा छेड़ा पकड़कर खींचता है, क्योंकि छेड़ा पकड़कर खींचने के पश्चात बेधड़क स्वर में मीराज ने कहा था कि बादशाह, यदि तुमने मेरा न्याय नहीं किया तो सतगुरु महाराज ने जो मुझे सेवा सौंपी थी उसका न्याय करने का उत्तरदायित्व तो तुम्हें सौंपता हूँ। बादशाह, न्याय के दिन जब अल्लाह ताला तख्त के सिंहासन पर बैठेगा, उस दिन अवश्य मैं तुमसे न्याय करवा लूँगा और पूछूँगा कि तुमने उस दिन इंसाफ नहीं किया था। जब क़यामत का नाम सुना बादशाह, तो सोचा कि इतनी ऊंची बात कहने वाला ये व्यक्ति कौन है। मुसलमानों को क़यामत के दिन से बहुत डर लगता है। क़यामत किसको कहते हैं, कहया खुदा मितावसी फरदा रोज क़यामत। फरदा रोज क़यामत यानी दुनिया के साल हजार, खुदा का दिन एक, दुनिया के साल सौ, खुदा की रात एक। मोहम्मद साहब को पर्दे में हुए जब 1100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तो उस समय अल्लाह ताला की शक्ति आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा के रूप में आएगी और अरश अजीम का वो अलौकिक ज्ञान लेकर आएगी जिसको आत्मसात करने वाला इस भवसागर से पार हो जाएगा। क्याम शब्द से क़यामत बना है। क़यामत दो तरह की होती है, एक ज्ञान की क़यामत, इल्म की क़यामत, जिसमें जो इस इल्म को ग्रहण कर लेगा वो अल्लाह ताला का दीदार कर लेगा, अल्लाह ताला को अपने दिल में बसा लेगा। और एक जिसने ऐसा कर लिया वो हमेशा हमेशा के लिए योग माया बेहद मंडल की बहिश्तों में अखंड सुख पाएगा। इस संसार में भी ज्ञान की क़यामत चल रही है। मुसलमानों को ये बात मालूम नहीं, वो सोचते हैं क़यामत आने का मतलब कि हमारे ऊपर आफत आ जाना, कि अल्लाह ताला हमको अपने कर्मों का फल देगा, हमको दोजख की आग में जलना पड़ेगा। क़यामत शब्द से ही वो भयभीत हो जाते हैं, जबकि क़यामत का वास्तविक अर्थ तो यही है
कि अखंड मुक्ति का सुख पाना और ज्ञान की इल्म की क्यामत यानी अखंड मुक्ति देने वाला ज्ञान का अवतरण। हाँ, ये अवश्य है कि जब अखंड परम धाम का ज्ञान आएगा तो जो इस ज्ञान को या तो ग्रहण नहीं करेगा या करके भी आचरण में नहीं लाएगा, उसको अपने बुरे कर्मों के कारण प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। आज सारी दुनिया के मुसलमान क्या सोच रहे हैं कि सबको खत्म कर दो तो सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा, और सबसे बड़ी यही भूल है। मोहम्मद साहब ने हदीसों में कहा है कि सारी दुनिया एक दिन हो जाएगी जब क़यामत आएगी। तो एक दिन होने का मतलब एक सत्य का राज हो जाएगा। इन्होंने उल्टा अर्थ करना है। इनका अर्थ क्या है कि सारी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम फैल जाएगा। अब वो सोच रहे हैं कि 14वीं सदी बीतने को है, ये तो पूरा हुआ ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो क्रिश्चियन है, हिंदुस्तान में भी 1 अरब हिंदू बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि अपनी जनसंख्या खूब बढ़ाओ और हथियार उठा लो, सबको मार दो तो कुरान का वचन सच्चा होगा। कुरान के कथन का अर्थ तो इनको समझ में नहीं आता। एक दिन होने का मतलब एक अल्लाह ताला पर सबका विश्वास हो जाना, चाहे भाषा अलग अलग क्यों ना हो, मान्यताएं अलग अलग क्यों ना हो, उनको धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम है। इसलिए उल्टी व्याख्या करने से सारे संसार में इन्होंने हिंसा का तांडव कर रखा है। जहाँ भी आतंकवाद फैला है, कुरान के वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण फैला है। अब बादशाह पूछता है कि मुसाफिर बताओ तुम्हारा परिचय क्या है। कहते हैं कि देखिए मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मेरा भाई खेता भाई यहाँ रहते थे, बहुत 25 साल से अधिक समय हो गए थे। उनके धन पर शेख सल्लाह जो हाकिम है उस परगने का, उसने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है और वह संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं खेता भाई का भाई हूँ, उसका वारिस हूँ। काजी ये मिराज के मुख से इस तरह की बातें सुनकर कहता है बादशाह कि देखो मैं अभी तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कल तुम आना, और यह करके वो चला जाता है। अगले दिन बादशाह सोचता है कि मैंने तो उसका पता लिया ही नहीं कि वो व्यक्ति कहाँ ठहरा हुआ है, इसलिए उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को पहरेदारों को कहा मुनादी फिरा दो कि बादशाह को नमाज पढ़ते समय जाते समय जिसने छेड़ा पकड़ कर खींचा था, जिससे मेरी कष्ट टूट गई थी, वो व्यक्ति कौन है। अब मुनादी फिराई जाने लगी। श्री महाराज रास्ते में ही थे, उन्होंने कहा कि वह तो व्यक्ति मैं ही हूँ, मैंने ही बादशाह का छेड़ा पकड़ा था। सिपाही उनको पकड़ कर ले जाते हैं, बादशाह के आगे प्रस्तुत किया जाता है श्री महाराज को। बादशाह पूछता है बताओ आप 2 महीने तक भटकते रहे, क्या हमारे दरबार में किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। अब मिहराज दया के सागर हैं, वो क्यों किसी की शिकायत करते कि हाँ मैं 2 महीने तक भटकता रहा, दीवान ने हमसे बात नहीं की न मेरी फरियाद सुनी। उन्होंने कहा कि बादशाह ऐसी कोई भी बात नहीं है, बहाना बनाकर टाल दिया। हमारे देश में तो राजा से सीधे लोग बात कर लेते हैं, इसलिए अभी मैंने सोचा कि मैं छेड़ा पकड़कर आपसे सीधे बात क्यों ना कर लूँ। बादशाह सोचा कि कल तो इसी व्यक्ति ने कहा था कि 2 महीने आपके दरबार में मैं भटकता रहा, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी, आज ये बात बदल रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि वो बेचारे दीवान को हमारे मंत्रियों को बचाना चाहता है कि इनको सजा न मिले, ये रहम दिल है। इसलिए बादशाह बहुत खुश हुआ और सारी बात सुनने के पश्चात अपने सैनिकों को लिख करके दे देता है कि यह लिखित ले जाओ। 2 सैनिकों को साथ कर दिया श्री महाराज के साथ और सख्त आदेश दे दिया कि जितनी खेता भाई की संपत्ति है उनके भाई श्री महाराज के हवाले कर दिया जाए। शेख सल्लाह यदि तूने इस कार्य में जरा भी हिला हवाले की तो तुम्हें जड़ से मिटा दिया जाएगा, यानी तुम्हें पूरे परिवार सहित फांसी पर लटका दिया जाएगा। इतना कठोर आदेश था। दोनों सैनिक श्री महाराज को लेकर शेख सल्लाह के पास जाते हैं
शेख सल्लाह ने चाबी तो दे दी गोदाम की, लेकिन उसके मन का जो पाप था वो नहीं गया। रात को उसने गोदाम में आग लगवा दी, गोदाम धू धुकल के जल गया, क्योंकि उसकी तो नियत थी कि किसी भी तरह से ये संपत्ति हिंदुस्तान नहीं जानी चाहिए। शरीयत का अर्थ होता है कर्मकांड। इस्लामिक जगत शरीयत पर टिका हुआ है, हकीकत कोसों दूर है। जो तरीकत के मानने वाले मुसलमान हैं उनको सूफी फकीर कहते हैं। वो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते। शरीयत में रोजा, नमाज, हज, जकात और कलमा, पांच चीजें मान्य हैं। एक सूफी फकीर हुए हैं शाह कलंदर, उन्होंने कहा है कि न रख रोजा, न मर भूखा, न सीता कर तू मस्जिद में, किताबें फेंक, तस्वी तोड़, लगाकर इश्क के झाड़ो, हिरसे दिल को सफा कर। हमारे देश में साईं बुल्ले शाह जैसे बड़े बड़े सूफी फकीर हो गए, जो पूरी पूरी रात अल्लाह की बंदगी में रहा करते थे। जो शरीयत के मानने वाले हैं, पांच बार नमाज पढ़ेंगे, चाहे मांस खाएं, दूसरों का खून बहाएं, उनको कोई चिंता नहीं होती कि वास्तविक बंदगी क्या है। कुर्बानी के दिन देखिए कितने पशु काटे जाते हैं। कुरान में लिखा है कि अल्लाह तक न पशुओं का रक्त पहुँचता है न मांस, अल्लाह तक नेक बंदगी पहुँचती है। लेकिन इसको कौन मानेगा? शरीयत वाले नहीं मानेंगे। जो तरीकत वाले हैं, जिनका दिल सच्चा है, अल्लाह की रात में बंदगी करते हैं, उनका दिल रहम हो, उनके दिल में रहम होती है, इनके दिल में नहीं। अब शेख सल्लाह वैसे ही कट्टर मुस्लिम है। इमाम का आदेश पाने के बाद भी उसने गोदाम में आग लगवा दी कि एक रुपया भी किसी तरह से हिंदुस्तान नहीं पहुंचना चाहिए। अब श्री मेहराज क्या करते? जितने लोगों से पैसा लेना था वो सब इकट्ठा करते, अब भारत के लिए प्रस्थान करते। इधर बिहारी जी और श्याम जी ने सोचा कि मेहराज से धन लेकर के जो हम आए थे वो तो हमने छिपा लिया था, एक रुपया भी दिया नहीं। मेहराज आएंगे तो ये भेद खुल जाएगा कि उन्होंने हमको इतना रुपया दिया था, तो हम पिताजी की दृष्टि में और गांगजी भाई की दृष्टि में गिर जाएंगे। इसलिए बिहारी जी ने और श्याम जी दोनों ने बाल भाई को उकसाया कि बाल भाई जी, बुआ, मेहराज श्री देवचंद जी के पास नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। अब बाल भाई जी क्या करती हैं, राजा के पास चुगली करने पहुंच गई और क्या कहती है, राजा को लिख कर दिया है कि जो मेहराज धन ला रहे हैं उनका नहीं है, या तो मेरे भाई खेता भाई का है या गांगजी भाई का है, उनको नहीं मिलना चाहिए। जब मेहराज धन ला रहे थे वो तो सदगु महाराज के आदेश से ही गए थे, लेकिन चंचल बुद्धि जिसकी होती है उसको कभी भी प्रशासनिक अधिकार नहीं देना चाहिए। चंचलता, तीक्ष्णता, कोमलता का जिनका स्वभाव है वह व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। राजा कौन बन सकता है? जिसमें धीरता हो, गंभीरता हो। राजा को दोनों तरफ का सुनकर के न्याय देना होता है। जिसकी व्यक्ति, जिस पुरुष की भी बुद्धि चंचल हो, तीक्ष्ण हो, स्वभाव में तीक्ष्णता हो, तुरंत आनंद फानंद में निर्णय कर लेता हो, वह राजा के योग्य नहीं होता। जिन्होंने आनंद फानंद में निर्णय किया, आप देखेंगे इतिहास के पन्ने पलटकर उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। गांगजी भाई की जो बहन थी वह थी बालबाई, बड़ी बहन थी, परिवार में उनकी चलती थी, लेकिन उनका स्वभाव तो वही था, तेज तर्रार, तीखेपन वाला, चंचल। जाकर राजा से शिकायत कर दी, जब मेहराज जैसे ही भारत की सीमा में उतरते हैं जहाज से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारे पास धन किसका है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि महाराज ये धन मेरा नहीं है, ये तो गांगजी भाई के भाई खेता भाई का था, इसे ले जाकर मुझे
उनको सौंप देना है, मुझे मेरा इसमें कोई नहीं, मेरे पास तो ये जो दो जोड़ी कपड़े हैं यही केवल मेरे हैं। श्री मिहराज के इस बात के इस कथन पर राजा को संतुष्टि हो गई और सारा धन जब्त कर लिया गया और कहाँ चला गया, राजा के खजाने में। यानी खेता भाई की कमाई का एक रुपया भी सुंदर साध की सेवा में काम नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि वो कमाई पाप की थी, पाप की यानी नंबर दो की कमाई की थी, अंधाधुंध व्यापार में पैसा कमाया था। याद रखिए, धन जो धर्म पूर्वक कमाया जाता है वो अर्थ कहलाता है, जो अधर्म से धन कमाया जाता है वो अनर्थ कहलाता है। वो दो पीढ़ियों के बाद रहता नहीं है, अधिक से अधिक दो पीढ़ी तक रहेगा। पाप से लक्ष्मी घटे कह गए संत कबीर। हिंदुस्तान के लोग यदि ये सोच लें तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार अपने आप चला जाएगा। हर कोई सोचता है कि हम गबन करें या घूस लें या दूसरे का धन लूटें हम धनवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप धर्म पर चलते हैं तो वही धन आपके पास टिका रहेगा, नहीं तो आपकी आने वाली संतान उस धन को बर्बाद कर देगी। पागल गाय की तरह लक्ष्मी एक स्थान पर रहती नहीं है, ये चलती रहती है। लक्ष्मी कहाँ रहेगी? जहाँ धर्म होगा। उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न, अदीर्घ सूत्रम शीघ्र कार्य करने वाला, क्रिया विधिज्यम कार्य की विधि को जानने वाला, व्यसनेश सक्तम व्यसनों से दूर रहने वाला, सूरम बहादुर कृतज्ञम दूसरे के उपकार को मानने वाला, दृढ़ सौहृदय और पक्की मित्रता रखने वाले के पास लक्ष्मी स्वयं यात निवास है, तो स्वयं निवास करने के लिए चल करके आती है कि मुझे अपने यहाँ जगह दो। भारत के लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की मूर्तियों की तो पूजा करते हैं, उन गुणों को नहीं अपनाते कि किस तरह से लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य हमारे पास आएगा। विदेश के लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते लेकिन वो परिश्रम करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं तो वो धनवान बने रहते हैं। हिंदुस्तान के लोग चादर ओढ़ करके सोते रहे, हजार साल तक गुलाम बने रहे, वो सोचते रहे कि लक्ष्मी देवी की कृपा हो जाएगी तो हम धनवान हो जाएंगे, ये भ्रांति है। कोई भी ज्योतिष आपको धनवान नहीं बना सकता, कोई भी ज्योतिषी, न लक्ष्मी देवी आपको धनवान बना सकती है, आपका पुरुषार्थ ही आपको धनवान बनाएगा। यदि आप धर्मानुकूल आचरण करेंगे, पुरुषार्थी होंगे, तो अर्थ तो आपके पीछे पीछे चलेगा। यदि आप अधर्म का आचरण करेंगे तो धन आपके पास रहने वाला नहीं है। खेता भाई की संपत्ति, जैसे कहावत कही जाती है ना, दूध का पैसा दूध में और पानी का पैसा पानी में, उसी तरह से हुआ। जिस दिन भारत के लोग भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे उस दिन भारत पुनः धनवान हो जाएगा। यहाँ राजा भी चोरी करता है, प्रजा भी चोरी करती है। जो मिनिस्टर पहले इलेक्शन से पहले कुछ नहीं होता है उनके पास, पाँच सालों में करोड़पति कैसे बन जाते हैं। व्यापारी अलग लूट रहा है, और तो और सब्जी वाला भी हेरी फेरी करता है, दूध वाला भी हेरा फेरी करता है, रिक्शे चलाने वाला भी लूटने से चूकता नहीं, इससे सारे परेशान हैं। सब लोग जिस दिन धर्म का आचरण करने लगेंगे, दूसरों के धन को मिट्टी के बराबर जो समझेगा जिस दिन, उस दिन भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। राम राज में कोई भी गरीब क्यों नहीं था? क्योंकि सभी धर्म का आचरण करते थे। आज भारत के लोग धर्म का आचरण नहीं करते हैं। आप छोड़ दीजिए, इस देश के लोग शराब पीना छोड़ दें, मांस खाना छोड़ दें, हत्या एक दूसरे की करना बंद कर दें, चोरी डकैती सब बंद हो जाए, हर कोई परिश्रम से कमाने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी गरीब रह पाएगा। अधर्म का अधर्म से दुख होता है। जिस देश के लोग मांसाहारी होंगे, शराबी होंगे, अत्याचारी होंगे, जुआ खेलेंगे, चोरी डकैती करेंगे, उस देश में खुशहाली कहाँ से लौट सकती है। इसलिए कोई भी सरकार संपन्नता तब तक नहीं ला सकती जब तक वहाँ के लोगों को नैतिकता का पाठ न पढ़े। सृष्टि को धारण करने वाला धर्म है। धर्म के जो आचरण हैं, धर्म के जो लक्षण हैं, उनको जब तक आचरण में नहीं लाएगा मानव समाज, तब तक कोई भी सरकार किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को धनवान सुखी नहीं बना सकती। अब जो गलती करता है
उस एक बार जब कीचड़ में दलदल में पैर रख देता है तो उसे निकलना उसका बहुत कठिन होता है। पहली गलती की श्याम जी और बिहारी जी ने कि महाराज से लाए हुए धन को सदगुरु धनिष्ठ देवचंद जी या गांगजी भाई को सौंपा ही नहीं, खुद चोरी करके उड़ा दिए। अब सोचे कि अपना पाप कहाँ छिपाएं, तो बाल भाई को लगा दिया। अब बाल भाई सोचती है कि महाराज तो मुक्त हो गए, कारागार से आएंगे तो सतगुरु महाराज से आकर के कह देंगे तो मैं उनकी दृष्टि में मैं गिर जाऊंगी। फिर वो नई चाल चलती है, भाग करके सतगुरु महाराज से कहती है कि सतगुरु महाराज, यदि आपने महाराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया, डूबी पड़ू माँ कूप माँ तो बाल भाई मारो नाम, कुएं में मैं छलांग लगा जाऊंगी यदि आपने श्री महाराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो। देखिए सत्य सत्य होता है, सत्य को आप दबा नहीं सकते। किसी चक्रवर्ती सम्राट की शक्ति कितनी भी क्यों हो, लाखों की सेना हो, अलौकिक अतुलनीय धन हो उसके पास, लेकिन ये सब नश्वर है। सत्य ही परमात्मा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के बराबर कोई शक्तिशाली नहीं होता, इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ के सहारे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्षणिक लाभ हो सकता है, छल कपट झूठ अधर्म के सहारे कुछ समय के लिए आप धनवान हो सकते हैं, आप कोई पद पा सकते हैं, लेकिन वह स्थिर नहीं रहेगा। परमात्मा सत्य है, इसलिए सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते न नृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः, सत्य की विजय होती है झूठ की नहीं, और सत्य से ही मोक्ष मार्ग का विस्तार होता है। इसलिए जिसने विवेक जागृत कर लिया वो कभी भी सत्य का आश्रय नहीं छोड़ता। जिसने सत्य का सहारा लिया सत्य ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। भारत के लोग दुखी हैं तो इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि भूले भटके लोग सच बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलने उनकी नियत रहती है। लेकिन याद रखिए, जहाँ का हर व्यक्ति सच्चा होता है, जहाँ का हर व्यक्ति धर्मात्मा होता है, वहाँ से बहने वाली हवा में भी एक दिव्यता होती है, वहाँ का आभा मंडल ही पवित्र होता है। मनुष्य को चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि झूठ बोलने से किसी के प्राण की रक्षा होती है तो वो कर देना चाहिए, उस समय उसका जीवन बचाना ही धर्म होता है। लेकिन धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब महाराज आते हैं, श्री देवचंद जी अपने मुख पर चादर ओढ़ लेते हैं। क्या गुजरी होगी कि सतगुरु महाराज के आदेश से तो मैं गया था अरब की धरती पर, 5 साल तक वहां रहते हैं, 1703 में गए होते हैं, 1708 में आते हैं। सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते, चादर ओढ़ लेते हैं। बाह्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि जिस तन में राज्य लीला कर रहे हो, क्या उस तन को पता नहीं कि बाल भाई झूठ बोल रही है? सब कुछ मालूम था, लेकिन महाराज को उस कसौटी पर कसना है कि महाराज तप करके कुंदन बने, एक विरह का रस देना है, आगे की भूमिका तैयार करनी है कि महाराज का दिल टूटना जरूरी है। जब दिल टूटेगा तो ये विलखेंगे, विलखेंगे विरह में तड़पेंगे, तो इनके धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा विराजमान हो जाएगी, ये अक्षरातीत की शोभा को प्राप्त करेंगे। इसलिए मूल स्वरूप की प्रेरणा से ये सब कुछ करवाया जा रहा है। सतगुरु महाराज जिसके तन से अवेश लीला हो रही है, जो इच्छा मात्र से यमुना जी का दर्शन करा सकते हैं, सारी लीला प्रकट कर सकते हैं, वो असहाय की तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, मूल स्वरूप जैसा दिल में लेते जा रहे हैं, चाहे महाराज का तन हो, श्री देवचंद जी का तन हो, वैसे ही तो लीला करेगा। अब श्री देवचंद जी चादर ओढ़ लेते हैं, महाराज क्या करते? खटुती में ये सारी बातें महाराज जी ने दर्शाई है।
तमे पर्दा किधा पच्ची वली ते आव्या वसंत। वसंत ऋतु में आए होते हैं अरब से, जब भारत में आए होते हैं तो अक्षरातीत किसी भी स्थिति में अपने किसी भी ब्रह्मात्मा को कष्ट नहीं देख सकते। उन्होंने क्या कहा है, दुख न देऊ फूल पांखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबो अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। यदि किसी सुंदर साथ को फूल की पंखुड़ी से मारा जाए तो अच्छा ही लगता है। राज जी कहते हैं कि यदि उससे भी कष्ट होता है तो कहते हैं कि मैं उतना भी कष्ट तुमको नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए मुझे दुख दिखाना पड़ रहा है। महाराज अलग दुखी हैं कि सतगुरु महाराज ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। सतगुरु महाराज को तो सब कुछ मालूम है कि महाराज को कसौटी पर कसना है, इनको उस लक्ष्य पर पहुंचाना है जिसमें सब समझ जाएं कि अक्षरातीत किस शोभा धारण किए हैं। अब महाराज कहाँ हैं के अपने भाई के यहाँ, श्यामल जी के यहाँ, 2 साल वहाँ रह रहे हैं। सतगुरु धन सिंह जी न तो बुलाते हैं न महाराज जाते हैं, क्योंकि श्याम भाई, श्याम जी और बिहारी जी खुश, देखो हमारी चाल सफल हो गई, हमने पैसा भी ले लिया और सतगुरु महाराज की दृष्टि में महाराज को गिरा दिया। अब चारों ओर क्या शोर है कि महाराज तो चोर हैं, इन्होंने गांगजी भाई का ही पैसा चोरी कर लिया, जो चोरी किए वो शाह बन गए और जो सब कुछ इकट्ठा किया वो सबकी नज़र में गिरा दिया गया। लेकिन धर्म पर चलने वाले को कभी भी प्रायश्चित नहीं करना, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि सत्य हमारे साथ है। एक दिन श्यामल जी की पत्नी जिसका नाम था सीता, उन्होंने ताना मारा। देखिए महिलाओं की जबान मीठी तो होती है, लेकिन यदि रजोगुण का अंश हो जाता है तो उनकी जबान कभी कभी तलवार से भी बहुत तीखी हो जाती है। यदि द्रौपदी ने नहीं कहा होता कि अंधों की बेटी अंधे होते हैं तो शायद महाभारत नहीं होता। यदि सीता ने नहीं कहा होता लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम चाहते हो कि राम की मृत्यु हो जाए तो तुम मुझे रख लो, तो शायद सीता का अपहरण भी नहीं होता और रामायण का भी युद्ध शायद हो सकता था, कोई दूसरा रूप होता। सीता और द्रौपदी के कड़वे वचनों ने भयंकर युद्ध कराया। कभी कभी महिलाएं इतनी तीखी चुभने वाली बात कह देती हैं कि नीतिकारों ने कहा है तलवारों के घाव तो भर जाते हैं, शब्दों के तीखे घाव भरा नहीं करते। उनकी भाभी ने कहा कि श्यामल जी की पत्नी ने कि महाराज उस दिन तो तुम अपने भाई पर अपने सदगुरु के लिए तलवार लेकर पड़े थे मारने के लिए, बताओ तुम्हारे सदगुरु ने तो 2 वर्षों से तुम्हारी खबर भी नहीं ली। यदि तुम्हारा आज भाई का घर नहीं होता तो 2 साल से कहाँ खाते पीते। यह बात महाराज को बहुत दुखी की और उसी दिन वो चल पड़े धरोल में, कल्ला धरोल के जो शासक थे कल्ला जी उनके पास सेवा कार्य करने के लिए, नौकरी जिसको कह सकते हैं, उनके यहाँ राजकीय सेवा के लिए उनके पास जाकर प्रार्थना पत्र दिया। श्री महाराज जी प्रबंधन कार्य में इतने निपुण थे कि कल्ला जी ने अपने राज्य की सारी व्यवस्था उनके सुपुर्द कर दी और कहा कि महाराज जी आप जैसे हो सारा प्रबंध कार्य आप संभालिए। 2 साल वहाँ रहते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, यानी 1712 का समय हो जाता है। 1703 में श्री महाराज गए होते हैं अरब, 5 साल वहाँ रहते हैं, 1708 में आते हैं, 2 वर्ष नौतनपुरी में रहते हैं और 2 वर्ष धरोल में कला जी के यहाँ रहते हैं। नौतनपुरी में जब 2 वर्ष रहते हैं तो हर ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, गर्मी का समय आता है, वर्षा ऋतु आती है। खट्टी ऋतु में यही तो वीरा है कि सतगुरु महाराज इसी पुरी में आप रह रहे हैं लेकिन आप मुझे बुला नहीं रहे। महाराज को एक ही जिद थी कि सतगुरु महाराज बुलाएं तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति का अपना अहंग होता है
अहं को मार दीजिए तो उसमें अस्मिता बनी रहती है. अस्मिता क्या है? मैं हूं. मैं का भाव मनुष्य को मिटने नहीं देता. देखिए, व्यवहारिक जीवन में मनुष्य को अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान मनुष्य का शत्रु है. लेकिन स्वाभिमान कभी खोना नहीं चाहिए. इस देश के लोग अभिमानी हो गए थे, स्वाभिमानी नहीं थे. अंग्रेजों के सामने जी हचोरी करते थे और अपने ही देशवासियों पर जुल्म उठाते थे. मानसिंह अभिमानी था, स्वाभिमानी नहीं. राणा प्रताप स्वाभिमानी थे, अभिमानी नहीं. ऊंची जाति वाले इस देश के हिंदू अंग्रेजों के सामने, मुगल बादशाहों के सामने जी हजूरी करते थे और अपने ही छोटी जाति के भाइयों पर क्रूरता दिखाते थे कि तुम हमारे सामने पलंग पर कैसे बैठ गए, तुम हमारी पंक्ति में कैसे बैठ कर खा ले. स्वाभिमान का अर्थ होता है स्व का अभिमान, और अभिमान का अर्थ होता है बाहर का, पद का, रूप का, प्रतिष्ठा का अभिमान. आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ मिटाना होता है. मैं हूं इसको भी मिटा दीजिए. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाए. जब आप अपने अस्तित्व का भान रखेंगे तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे. जैसे एक मटर का दाना है, जमीन के ऊपर पड़ा रहेगा तो अंकुरित नहीं हो पाएगा, सूख जाएगा. मिट्टी में वह मिल जाता है तो एक नया पौधा बनेगा, और उस नए पौधे से, उस जैसे दर्जनों नए मटर के दाने पैदा हो जाएंगे. मनुष्य जब अपने अस्तित्व को मिटा देगा, न मैं ज्ञानी हूँ, न मैं भक्त हूँ, न सेवक हूँ, न धनवान हूँ, न सुंदर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. प्रीतम परब्रह्म, जो कुछ है तेरी कृपा का फल है, तो महानता के शिखर पर पहुँच जाएगा. लेकिन यही नहीं हो पाता. योगी को अपनी योग साधना का अहंग है, विद्वान को अपनी विद्वता का अहंग है, भक्त को अपनी भक्ति का अहंग है. जब सब मिट जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, न मैं ज्ञानी हूँ, न ध्यानी हूँ, न मैं भक्त हूँ, न सेवक हूँ, कुछ नहीं हूँ, केवल अक्षरातीत तू है, तेरी कृपा का पसारा है, तो वह उस दिन उन्हीं का स्वरूप बन जाएगा. यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा. लेकिन ये मैं खुद ही टलती ही नहीं. इन मैं में डुब्या सब कोई, या को पार न पावे कोई, या को पार सो पावही, जाको मुतलक बख्शी सोए. इस मैं खुदे के बंधन को कौन तोड़ेगा? जिस पर राज्य की सबसे बड़ी कृपा होगी. और आप जानते हैं, जिस पर राज्य कृपा करते हैं उसको माया में पहले दुख देते हैं. जो साहेब संकुल हो वही तो दुख हुए तिन, इस दुनिया में चाह कर दुख न लिया किन. आप मेहर सागर का गोटा पढ़कर क्या मांगते हैं? राज्य खूब सुख दे दो, हमारे बेटे को करोड़पति बना दो. एक बार एक सज्जन को शंकर जी ने दर्शन दिया. उसने सोचा कि मैं क्या मांगूं. बेचारा अनपढ़ था, भैंस का दूध पीने वाला. उसने कहा कि हे जगदीश, बैल दो 20, भैंस दो 30. यही सब दुनिया की बातें मांग रहा है. अरे भाई, तू ये मांग करके करेगा क्या? आप इतिहास के पुराणों के पन्ने पलटिए. कोई राजा होता है, कोई सोचता है कि हमको ऐसा पुत्र मिल जाए, हमारा राज्य मिल जाए. कोई कुछ मांग रहा है परमात्मा से, परमात्मा को कोई नहीं मांग रहा है कि हे परब्रह्म, मेरे धाम हृदय में हमेशा के लिए अपना आसन जमा लो. परमात्मा भी सोचता है कि माया के पुतले हैं, माया की ही वस्तुएं मांगेंगे. श्री महाराज को उस मंजिल पर पहुंचाना है तो क्या करेंगे? चारों ओर बदनामी का ढोल पीट दिया गया. सदगुरु महाराज भी सोच रहे हैं. सदगुरु महाराज के मन में नहीं था, लेकिन सबके मन में क्या है? महाराज ने देखो सदगुरु का ही धन हड़प लिया, जेल भी होकर के आए. चोरी करने वाले तो सज्जन बने बैठे हैं कि अब जिसने कुछ नहीं किया, अब आगे देखेंगे आप कि हफ्से में जब महाराज जाएंगे तब भी चोरी का आरोप कि महाराज ने तो राजा का ही धन चुरा लिया. सच्चाई कुछ और होती है, और वही विरह से जब दिल फटता है, चारों तरफ से जब दिल टूटता है, तो राज्य की तरफ जाता है.
महाभारत की उस घटना की तरफ ध्यान दीजिए। द्रौपदी को बहुत अहंग था कि मेरे पति विश्व विजेता हैं, इनके रहते मेरा कोई क्या कर लेगा। लेकिन भरी सभा में जब दुर्योधन के आदेश से दुशासन साड़ी हटाना चाहता है तो द्रौपदी चारों तरफ अपने पतियों की तरफ देखती है कि मेरे पांचों पति तो सिर नीचा किए बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, न अर्जुन, न भीम, न युधिष्ठिर, क्योंकि वे हार चुके हैं, धर्म से बंधे हैं। भीष्म पितामह सिर नीचा किए हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब सिर नीचा किए हैं। चारों तरफ से जब हार जाती है तब कृष्ण को पुकारती है। मनुष्य के साथ भी यही होता है, मनुष्य को अहंग है अपने परिवार का, संगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का, ये मेरे हैं, मुझको इतना चाहने वाले हैं, इतनी प्रतिष्ठा है। जब तक ये बंधन बना रहेगा तब तक राज्य के चरण कमल नहीं मिल सकते। जब सबसे आशा टूट जाएगी तब आप समझिए तब राज्य के चरण कमल पड़ते हैं। इसलिए महाराज के हृदय को तोड़ा जा रहा है। अब श्री महाराज 2 साल नौतनपुरी में रहने के पश्चात 2 साल कला जी के पास रहते हैं। खटती में इन 4 वर्षों में जो विरह की अग्नि से पीड़ित होते हैं वो सारा वर्णन दिया हुआ है। विरह की वाणी है सटऋतु, जो हमारी आत्मा को प्रेरित करती है राज्य को अपने धाम हृदय में बसाने के लिए। जिसने खटृति के विरह को अपना लिया उसने बहुत बड़ी बाजी जी ली है, क्योंकि दुनिया में रहकर आप सेवा पूजा बहुत कर सकते हैं, वाणी पढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विरह नहीं, ब्रह्मांड में बिना सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के पार। परम धाम की ब्रह्मात्मा के अतिरिक्त किसी के हृदय में विरह नहीं पैदा होता। हिमालय की गुफाओं में साधना करना सरल है, शुष्क ध्यान की समाधियां लगाना सरल है, लेकिन राज्य के विरह में तड़पना किसी किसी के लिए संभव होता है। जिस पर राज्य की कृपा होती है उसी को माया का दुख मिलता है, उसी को विरह मिलता है, उसी को प्रेम मिलता है, तब उसके हृदय कमल में राज्य अपने चरण कमल रखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो तो कहा जाता है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं। आदमी धन से बड़ा नहीं होता है, पद से बड़ा नहीं होता है, रूप से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि धन, पद, रूप ये तो सब आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है, सब नष्ट हो जाएंगे। एक अखंड धन है आपका, वो है राज्य के प्रति प्रेम, विरह, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। जिसने इस संपदा को पा लिया उससे बड़ा इस सृष्टि में कोई भाग्यशाली नहीं है। अब श्री देवचंद जी के धाम गमन का समय आ जाता है, विक्रम संवत 1712। श्री देवचंद जी कहते हैं, अरे भाई कोई नहीं है जो महाराज को बुला करके लाए, क्योंकि जब तक इंद्रावती ना आए, महाराज ना आए, तब तक मैं उनके धाम हृदय में नहीं प्रवेश कर सकता। कहने का तात्पर्य क्या है, मुझे महाराज के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करनी है। महाराज का हृदय दुखी है, 9 वर्षों से प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ है। संवत 1703 से गए, 1712 का समय बीत गया, 4 वर्षों की जुदाईगी भारत में आने पर हुई, प्रणाम सतगुरु महाराज ने स्वीकार नहीं किया, केवल बाल भाई की कृपा से, बिहारी जी और श्याम जी की कृपा से। अब बाल भाई आकर कहती है कि महाराज चलो सतगुरु महाराज से मिल लो। ये नहीं कहा कि सतगुरु महाराज बुला रहे हैं, क्योंकि बाल भाई के भी मन में था कि महाराज आएंगे तो भंडा फूट जाएगा, लेकिन सतगुरु महाराज बार बार याद कर रहे थे तो भी बाल भाई ने इतना कहा कि महाराज चलो सतगुरु महाराज से मिल लोगे तो अच्छा रहेगा। महाराज ने कहा कि मैं देखता हूँ, व्यवस्था करके मैं आ जाऊँगा। उसके पश्चात सतगुरु महाराज ने बिहारी जी को भेजा। बिहारी जी जब चलने लगे तो उनके मित्रों ने कहा कि देखो यदि महाराज आ गए तो याद रख लो गादी तुमको नहीं मिलने वाली है, महाराज को ही सतगुरु महाराज सब कुछ सौंप देंगे, ये गादी है। गादी भी क्या, रुई का एक ऊंचा आसन जिस पर बैठ जाओ तो 1000 कुछ लोग आकर के मत्था टेक लें, जय जयकार लगा लें। इसके लिए सारा संसार मरा जा रहा है, गादी के लिए झगड़े हो रहे हैं। अक्षरातीत की गादी कहाँ है, अर्श दिल मोमिन कहा जामे अमृत सूरत, खिन्न छुटे मासूक से महबूब की मूरत।
आत्मा का हृदय ही अक्षरातीत का सिंहासन है। आत्मा के धाम हृदय में राज्य बसते हैं, रूई की गादी पर कहीं राज्य नहीं रहा करते, लेकिन उस पर बैठने के लिए इतने बैर भाव मोले जाते, इतनी घृणा की आग जलाई जाती है। बिहारी जी आकर श्री महाराज से कहते हैं कि महाराज, पिताजी को अंबर कस्तूरी है चाहिए, अंबर कस्तूरी यानी इत्र, इत्र चाहिए और कस्तूरी उन्होंने मंगाई है तुमसे। ये नहीं कहा कि सतगुरु महाराज तुमको बुला रहे हैं। श्री महाराज जी ने वो व्यवस्था करके दे दी। फिर कुछ समय के पश्चात सतगुरु धनिष देवचंद जी ने बिहारी जी को भेजा कि बिहारी जी जाकर तो बुला करके लाओ महाराज को, मैं बार बार बुला रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बार भी आकर कहते हैं कि पिताजी के शरीर में दर्द हो रहा है, दवा दे दो। ये नहीं कहा कि सतगुरु महाराज तुमको बुला रहे हैं। उनको यही डर था कि गद्दी महाराज को नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। देखिए आध्यात्मिक क्षेत्र में आज गादी का इतना महत्व हो गया है, या देश के लिए, विशेषकर हिंदू समाज के लिए या किसी भी धार्मिक समाज के लिए दुख की बात है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गादी का महत्व होने से व्यक्तिवाद, स्थानवाद की महत्ता बढ़ती है, व्यक्तित्व की महत्ता समाप्त हो जाती है। ट्रस्ट के लोग जिसको गादीपति बनाएंगे वो उनके रिमोट से चलेगा, जैसा उसको कहा जाएगा वो करेगा, या जो गादी पर बैठ जाएगा तो ट्रस्ट को अपने अधीन कर लिया तो जो मनमाना चाहेगा वो करेगा। धर्म का स्वरूप गहन होता है, धर्म से तत्त्वम निहितम गुहायाम। धर्म के स्वरूप को तो वही जान सकता है जिसने परमात्मा से मिलन किया है। परम गुहा में जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया वो धर्म के बारे में नहीं जान सकता। और इसलिए गादीवाद जब पनपता है तो अशिक्षा का बुलबाला हो जाता है। जिस समाज में गादीवाद का वर्चस्व है उस समाज में उच्च स्तर के विद्वानों का अभाव रहेगा ही, क्योंकि विशेष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि समाज में अधिक से अधिक विद्वान पैदा हों, अधिक से अधिक परमहंस पैदा हों, क्योंकि उसकी गादी के लिए खतरा हो जाता है। अब श्री महाराज से भय है बिहारी जी को, इसलिए वो बार बार झूठ बोल देते हैं कि पिताजी तो तुमको कभी याद नहीं करते, हाँ उनकी तबीयत खराब है, उनके स्वास्थ्य के लिए दवा चाहिए, महाराज दे देते हैं। अब श्री देवचंद जी कहते हैं कि क्या सुंदर साथ में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे महाराज को बुलाकर लाए, जो सिंधी भाषा में ये भजन बनाया करते थे, जान हुन हुन कोट धड़, कि यदि मेरे एक भजन बनाया था महाराज जी ने कि हे राज जी आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे करोड़ों धड़ हो जाए, गर्दन के नीचे के भाग को कहते हैं धड़, एक एक धड़ में करोड़ों करोड़ों सिर हो जाए, एक एक सिर में करोड़ों करोड़ों मुख हो जाए, और एक एक मुख में करोड़ों करोड़ों जिह्वाएं हो जाए, और उतनी जिह्वाओं से मैं यदि हे सतगुरु महाराज आपकी महिमा का गुणगान करूं, हित्रा मिटी मिटी तो ही जा पूजे ते गुण गिनन, यदि मैं आपकी महिमा का गुणगान करूं तो भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकती। इस भजन को महाराज बनाकर भाव से गाया करते थे। कोई उस महाराज को तो बुला कर लाए, जब सतगुरु महाराज व्यथित होकर इस तरह से कहने लगे तो बालबाई का हृदय द्रवित हो गया। अब पहली बार आकर बालबाई ने कहा, महाराज सतगुरु महाराज तुम्हारे लिए व्यथित हो रहे हैं, तुम उनके बार बार बुलाने पर क्यों नहीं चलते, मैं अपना अपराध स्वीकार करते हूँ, मेरे ऊपर दबाव था बिहारी जी का और श्याम जी का, मैंने झूठी चुगली लगाई थी, मैंने दबाव दिया था कि आप प्रणाम स्वीकार करना न करना, मैं क्षमा मांगते हूँ लेकिन इस समय चलो। अब महाराज जी को बहुत दुख होता है, इसी को उन्होंने खटती में व्यक्त किया है, उद्धव ते तो अक्रूर पर इंडू रे चढ़ावियो, यानी गोपियाँ श्री कृष्ण के चले जाने से दुखी हैं, श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, चार दिन के लिए आने को कहकर गए थे लेकिन लंबा समय बीत जाता है वो नहीं आते, अक्रूर आते, अक्रूर लेकर के गए होते हैं,
लेकिन उद्धव आते हैं तो उद्धव अपना ज्ञान बखान करने लगते हैं कि गोपियों, परमात्मा तो निराकार निर्गुण है, वो ध्यान समाधि से प्राप्त होगा। तुम श्री कृष्ण के प्रेम में जो पागल बनी हुई हो तो अपने समय को नष्ट कर रही हो, तुम्हें निराकार परमात्मा की योग साधना से प्राप्ति करनी चाहिए, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। गोपियों को यह बात बहुत बुरी लगती है, कहती है कि अक्रूर ने कृष्ण को हमसे अलग किया तो इतना कष्ट नहीं लगा जितना कि उद्धव की यह बात अलग लगती है कि तुम कृष्ण को बिल्कुल ही भूल जाओ। यानी बिहारी जी हमको कहते रहे कि सद्गुरु महाराज तुमको याद बिल्कुल नहीं करते हैं तो मुझे कोई कष्ट नहीं था, लेकिन जब बाल भाई ने ये कहा कि सद्गुरु महाराज तुम्हारे न आने से बहुत दुखी हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो इस यह पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सकता, यानी क्योंकि मेरे कारण सद्गुरु महाराज को दुखी क्यों होना पड़े, यह है महानता मेहराज की। अंत में कला जी से श्री मेहराज कह देते हैं कि महाराज अब मैं राजकार्य नहीं संभाल सकता, जिसको सौंपना हो सौंप दीजिए, अब तो मैं जा रहा हूँ। चलकर सद्गुरु महाराज के चरणों में आते हैं। उस समय श्री देवचंद जी पलंग पर लेटे होते हैं, प्रणाम करते हैं श्री मेहराज। सद्गुरु महाराज लेटे लेटे पूछते हैं कौन है, कहते हैं कि मैं इंद्रावती की आत्मा। सुनते ही सद्गुरु महाराज उठकर बैठ जाते हैं कि 9 वर्षों से वियोग चल रहा है, 9 वर्षों से कभी प्रणाम नहीं हुई थी, और दूसरों के षड्यंत्रों में श्री मेहराज और सद्गुरु धनिष्ठ देवचंद जी के बीच में दूरी बन गई थी। 4 वर्षों तक भारत में आने के बाद भी कभी प्रणाम नहीं हुई। यह सारा विरह का कष्ट दोनों हृदय समेटे हुए थे। अंत में 22 दिन तक श्री मेहराज देवचंद जी के पास रहते हैं, देवचंद जी से सारी बातें करते हैं। देवचंद जी आते ही पूछते हैं कि मेहराज तुम सारा कार्य निपटा करके तो आए हो, अब तो तुम्हें दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी धरोहर। श्री मेहराज कहते हैं कि नहीं सतगुरु महाराज, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, अब मुझे किसी भी कार्य के लिए दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है, अब मेरा तन मन जीव सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। बिहारी जी को ये पसंद नहीं कि मेहराज यहाँ आए और सतगुरु महाराज से मिले, मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। समय पाकर श्री मेहराज ने सारा वर्णन सुना दिया, किस तरह से खेता भाई की मृत्यु हुई थी, वो कागजात भी दिखा दिए कि देखिए मैंने श्याम जी को और बिहारी जी को इतनी धनराशि दी थी, इतनी धनराशि मैं लेकर आ रहा था, बाल भाई जी की चुगली के कारण सब कुछ यहाँ के राजा ने जब्त कर लिया। सारा अरब का प्रसंग बता दिया, और यहाँ भी कि हमको न तो बिहारी जी ने कहा न बाल भाई ने कहा। इस बार जब बाल भाई ने कहा कि सद्गुरु महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं, तो मैं दौड़ा दौड़ा आपके चरणों में आया। सद्गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, कहा कि महाराज उन पुरानी बातों को छोड़ दो, नए सिरे से धर्म का उत्तरदायित्व तो तुमको मैं सौंपता हूँ, तुम्हारे तन से सारी लीला होनी है, आने वाले समय में सारा संसार तुमको विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में मानेगा, अब मेरे धाम गमन का समय हो रहा है, मेरे तन को छोड़ने के पश्चात युगल स्वरूप तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होंगे, तुमको इस कसौटी पर कसा गया ताकि तुम्हारे तन से परम धाम की ब्रह्मवाणी उतर सके, तुम्हारा हृदय पर आत्मा का धाम बन सके अक्षरातीत के लिए, और तुम्हारे तन से अब मुझे लीला करनी है, सारी बातें बता दी। लेकिन जो प्रतिद्वंदी रूप में श्री बिहारी जी थे, उनको संतुष्ट करने के लिए मेहराज ने कहा कि सद्गुरु महाराज मेरी एक इच्छा है कि बिहारी जी और हम एक साथ बैठ करके भोजन करें एक ही थाल में। बिहारी जी ने सीधे मना कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा। अंत में जब कठोर शब्दों में श्री देवचंद जी ने कहा तो बिहारी जी तैयार तो हुए, लेकिन हृदय की खुन्नस छोड़ नहीं सके, जो खिचड़ी फैलाई थी थाल में उसको बीच से 2 भाग कर दिया और संकेत कर दिया कि उधर वाला भाग तुम्हारा इधर वाला भाग हमारा,
हमारा मिलना नहीं चाहिए। यह है गांधीवाद के समर्थक, एक तरफ बिहारी जी, एक तरफ ब्रह्मवाणी को संसार में सर्वत्र फैलाने वाले, अवतरित कराने वाले श्री महाराज, दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। समाज में भी ये दो विचारधाराएं चल रही है, एक विचारधारा गांधीवाद के समर्थन में है, एक विचारधारा ब्रह्मवाणी के समर्थन में है। गांधीवाद की विचारधारा कहती है कि जो गांधीपति महाराज ने कह दिया वो अंतिम सत्य है। ब्रह्मवाणी को मानने वाले कहते हैं कि जो ब्रह्मवाणी का कथन है वो राज्य का कथन है, हम उसको ही मानेंगे और यही श्रेयस्कर है। ब्रह्मवाणी का कथन अक्षरातीत का कथन, गांधीपति एक व्यक्ति होता है, वो मानवीय तन होता है, उससे भूले होना स्वाभाविक होती है। इसलिए अब यहाँ से लीला प्रारंभ होती है। श्री बिहारी जी के मन में महाराज के लिए कोई सौहार्द नहीं था। चतुर्दशी बुधवारी भई सनंद सर्वे बिहारी जी को कही, चतुर्दशी की रात है। उस दिन बिहारी जी को काफ़ी समझाया कि बिहारी जी श्री महाराज के साथ मिलजुल करके रहना, और श्री महाराज जी को कहा कि महाराज धर्म का सारा उत्तरदायित्व मैं तुझको सौंपता हूँ, तुम्हारे तन से सारी लीला होती है। मध्य रात के समय सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी ने अपना तन उछल कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनके शरीर का दाह संस्कार होने के पश्चात सुंदर साथ माया की नींद में पुनः सो गया, क्योंकि सबको श्रद्धा किस पर है, आड़िका लीला पर। आड़िका लीला सबने देखी थी, सबकी आस्था किस पर है, श्री देवचंद जी के तन पर, उनके नाम पर और चमत्कारों पर। मूल स्वरूप की पहचान नहीं है, आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं है, परात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं है। हमारे समाज की भी श्रद्धा किस पर है, गांधी पर है, या हम अमुक महाराज जी के शिष्य हैं इस पर है, स्थान पर है। जब तक हमारी आत्मा अपनी परात्म को न देखे, जब तक हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल न पड़े, तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। आत्मा की जागृति के लिए सबको अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाना पड़ेगा। लेकिन जब समाज केवल गांधी के पीछे चलेगा कि नहीं हमें वाणी को भी किनारे कर देना है, प्राणनाथ जी को किनारे कर देना है, गांधीपति महाराज जी ने जो कह दिया वही अक्षरशः सत्य है, तो परिणाम क्या होगा? समाज में यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है और हमारा समाज भी यही सजा भुगत रहा है। हमारे समाज में जहाँ वाणी का उद्घोष है, आत्म सोहनी एक दिशे जुजवी ते दिशे दे, उस समाज में भी कितनी भेदभाव की लकीरें खिंच गई हैं। हमारा समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, स्थान के नाम पर, गांधी के नाम पर, प्रांत के नाम पर, वर्ग के नाम पर। इन सब में एकता तभी होगी जब सभी सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, सबके अंदर हम युगल स्वरूप की छवि देखेंगे कि परम धाम के हर सुंदर साथ में युगल स्वरूप की छवि बसी है। जब हम भिन्न भिन्न प्रांतों के होकर अलग अलग प्रांतों के सुंदर साथ पुकारेंगे, गुजराती सुंदर साथ, पंजाबी सुंदर साथ, नेपाली सुंदर साथ, बिहारी सुंदर साथ, तो क्या होगा? हम अनेक वर्गों में बटे रहेंगे, हमें अपनी आत्मा के स्वरूप की कोई पहचान नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यकता है हम सबको अपने आत्मिक दृष्टि से देखें। सुंदर साथ की जमात में सभी सुंदर साथ हैं। सुंदर साथ का अर्थ क्या होता है? सुंदर भाई श्यामा जी के लाए हुए तारतम ज्ञान का जो अनुकरण करता है, जो उनका अंग है, चाहे वो जीव सृष्टि हो या ईश्वरी सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि, सभी सुंदर साथ कहलाते हैं। इसलिए सुंदर साथ की जमात में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, किसी के पास विद्वता आ गई, वो आचार्य बन गया, कोई किसी स्थान का महाराज बन गया, गांधीपति बन गया, लेकिन सबके हृदय में तो एक ही राज्य का वास है। इसलिए चाहे बालक हो या बड़ा, मूर्ख हो या विद्वान, अमीर हो या गरीब, सबको हमें प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए, इसी में हमारी महानता है। अब बिहारी जी गादी पर बैठाए जाते हैं, उनको बैठाने वाली कौन है? बालबाई जी। कोई सदगुरु महाराज के स्थान पर आता नहीं था क्योंकि वाणी थी नहीं, वाणी के बिना जागनी कैसे हो,
इसलिए सब सुंदर साथ घर रहने लगे कि अब हम क्या करें। सतगुरु महाराज ने तन छोड़ दिया तो हमारे सतगुरु महाराज तो परम धाम चले गए, इसलिए वाणी न होने से किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब बाल भाई ने महाराज के पास आकर कहा कि महाराज देखा जाए तो बिहारी जी सतगुरु महाराज के पुत्र हैं और सतगुरु महाराज की गादी की बड़ी महिमा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिहारी जी को गादी पर बैठा दिया जाए, श्री महाराज पीछा क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठा दिया जाए। सब सुंदर साथ जानते थे कि सतगुरु महाराज ने कहा है कि धर्म का कार्य महाराज से होगा, इसलिए सब सुंदर साथ ने नकार दिया कि हम बिहारी जी को नहीं मानेंगे, क्योंकि सतगुरु महाराज हमसे कह गए हैं कि जागनी लीला तो आपके तन से होनी है। स्नेह सखी की बीतक लीला रस सागर में यह वर्णन विस्तृत रूप से दिया हुआ है कि सब सुंदर साथ ने कह दिया कि हम तो जो सतगुरु धनिष देवचंद जी ने कहा है उसको मानेंगे, हम बिहारी जी महाराज को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन महाराज जी ने सबको समझाया कि नहीं, मेरा कहना है, मेरी खुशी के लिए आप लोग बिहारी जी को गादी पर बैठाना स्वीकार कीजिए। अंत में धूमधाम के साथ बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाता है। सबसे पहले श्री महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके तन से चर्चा सुनते हैं, कैसे कैसे लीला होती है ये सब सुनिएगा आप कल, कि एक तरफ गादीवाद किस तरह से अंधेर में ले जाता है और एक तरफ ब्रह्मवाणी की गूंज होती है, ब्रह्मवाणी का अवतरण होता है। ज्ञान का प्रकाश ही किसी भी समाज का पथ प्रदर्शक होता है। वाणी के ज्ञान को हटा दीजिए तो गादी में कुछ नहीं रखा होगा। समाज में जो भी पंथ आगे बढ़ते हैं वो ज्ञान के प्रकाश में बढ़ते हैं, पुरुषार्थ से बढ़ते हैं, भक्ति के बल पर बढ़ते हैं। हमारे समाज को अकर्मण्य पुरुषार्थ से हीन कर दिया गया, भाग्यवाद के भरोसे रख दिया गया कि जो गादीपति महाराज नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं करेगा। आगे के भी तक इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालेगी कि किस तरह से बिहारी जी श्री महाराज से वैर भाव रखते हैं, ज्ञान के प्रकाश में बाधक डालते हैं। यदि हमारा समाज भी तक इन घटनाक्रमों को यथार्थ रूप से ग्रहण कर ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, गादीवाद का या ब्रह्मवाणी की ज्योति का। ब्रह्मवाणी जो परम धाम से आई है, जो अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है, हम उसको माने या उस व्यक्ति का कथन माने जो कुछ व्यक्तियों की कृपा के फलस्वरूप गादी पर विराजमान हो जाता है। बिहारी जी महाराज भी बाल भाई की कृपा दृष्टि से ही बैठे, बाल भाई के समर्थन से बैठे और वो क्या क्या लीला करते हैं ये आप कल सुनेंगे। चौपाई दे श्री महामति कहें सैयनो ए बीतकपुरी नवतन, अब आगे की कहूं याद करो मोमीन।